उर्फी मैम प्लीज एक बार अपना टैलेंट बता दीजिए, सब जानना चाहते हैं। क्या ही कहूँ यार, मतलब ये तो मेरा स्किल है कि मैं हील्स में स्किपिंग करवा लो, दौड़ा लो, मैं हील्स में तुम लोग ज्यादा तेज दौड़ सकती हो। ऐसा दौड़ना होता है मैडम, आप कुछ भी बोलोगे और हम मान लेंगे, करके दिखाना पड़ेगा। चलो ऐसा करते हैं, 10-10 रुपए की शर्त लगाते हैं, करके दिखाओ। अरे अरे कहाँ निकल गए मैडम जी, कम से कम अपने 10 रुपए तो ले जाते। सो गाइस, इज मी शिवम त्रिवेदी और आज हम बात करेंगे इंडिया के इकलौते पोकेमोन, और वो भी फैशन पोकेमोन, उर्फी जावेद की, जिसके पीछे कोई पागल हो ना हो, मुंबई के कुछ गिने चुने मीडिया वाले जरूर पागल हैं। और दीदी जी जहाँ जाती है उन्हें ऐसा वेलकम मिलता है। ओहो, सेलिब्रिटी वाइब्स। Although वो अलग बात है कि आते साथ ही यूजुअली इनकी बेइज्जती हो जाती है, कभी सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा तो कभी राखी सावंत के द्वारा। मैं अपनी चेली है। यार ऑनेस्टली बेइज्जती वेस्ती तक तो ठीक था, पर राखी जी थप्पड़ मारने का कोई मतलब नहीं था। तो अभी ना उर्फी जावेद फिर से सुर्खियों में, क्योंकि अबे अभी कॉफी विद करण का क्लिप चलाया तक नहीं है, इनका कॉपीराइट पहले आ गया। खैर छोड़ो, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ कि अभी उर्फी जावेद इज ट्रेंडिंग अगेन, क्योंकि रणवीर सिंह ने कॉफी विद करण के नए एपिसोड पे उर्फी को एक फैशन आइकॉन बुलाया है। Like what? Really? अब वो पता नहीं कि सीरियसली बोला है या मजाक में। Also, keep in mind, ये वही रणवीर सिंह है जो अब दीपिका पादुकोण के कपड़े छोड़ो पड़ोस में हो रही शादी का टेंट पहन के घूम रहे हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि उर्फी जावेद फेमस है अपने अजीबोगरीब और आपत्तिजनक कपड़ों के लिए, क्योंकि कभी मैडम जी ऐसे ये चेन्स वाली ड्रेस पहन लेती हैं तो कभी फटा हुआ पोछा, कभी ये 20 कागजों से ड्रेस बना के पहन लेती हैं तो कभी ये 20 किलो की कांच की ड्रेस पहन लेती हैं, कभी ये बिजली की तारे लपेट लेती हैं तो कभी कभी ये सीमेंट की बोरी पहन लेती हैं। एंड नो, आई एम नॉट सेइंग कि इन्होंने एक ड्रेस पहनी थी जो सीमेंट की बोरी जैसी दिखती थी, नहीं, इसने लिटरली एक सीमेंट की बोरी उठाकर उसे काट के पहन लिया। और बड़ी अजीब सी बात है कि मैडम के सारे फैशन के जलवे सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट पे ही दिखते हैं, जहां बाय चांस इनके लिए हमेशा पैपराजी वेट कर रहे होते हैं। जब आपका अंदर बैग गुम हो गया तब हमको मान पड़ गया था। एयरपोर्ट शूटर, अबे साले इतने अंदर की डिटेल्स तो गली की आंटियों को नहीं पता होती जितनी तुम लोग निकलवा लेते हो सेटिंग करके। और यार मेरे को एक बात समझ नहीं आती, इन पैप्स को एयरपोर्ट पे एंट्री मिल कैसे जाती है, लाइक फ्री होती है क्या, लाइक एकदम जीरो। वैसे जीरो से याद आया कि इंडिया का सबसे बड़ा गेमिंग ऐप एमपीएल लेके आया है जीरो टू हीरो आवर फ्रॉम 7th to 21st of July। बस खेलो लूडो, रमी या कॉल बैक जैसे अपने फेवरेट 50 फ्री गेम्स और जीतो लाखों के इनाम हर दिन। सिंपली डाउनलोड दी एमपीएल प्रो ऐप फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और यूज करो मेरा साइन अप कोड SHIV100 और पावर ₹50 इंस्टेंट कैश और ₹100 तक के और भी इनाम जिन्हें आप अपनी फेवरेट गेम्स पे यूज कर सकते हो। इसी के साथ साथ आपको अपने डिपॉजिट्स पे 200% का कैश बैक और हर रोज 7 PM टू 7:30 PM के बीच 100 गुना तक जीतने का मौका मिलेगा, वो भी किसी भी गेम पर। ऑनेस्टली ये बहुत एक्साइटिंग है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, डाउनलोड द MPL प्रो ऐप फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यूज करो मेरा साइन अप कोड SHIV100 और पावर ₹50 इंस्टेंट कैश बैक अभी के अभी। तो कौन कहता है आजकल जीरो में कुछ नहीं मिलता। ओके, सो नाउ आई वांट टू टेल यू कि लाइफ कितनी अनफेयर है उर्फी के साथ। मतलब उर्फी के बारे में सब क्या सोचते हैं, हर कोई डिस्कस करता है, लेकिन कोई कभी पूछता तक नहीं है कि बेचारी उर्फी, बेचारी बच्ची सोच क्या रही है अंदर ही अंदर। ओहो यार, फोटो के लिए क्या क्या करना पड़ता है। उई माँ, अरे यार ये पागल आंटी बार बार मेरे ऊपर आगे की चिपट जाती है, इसको भेजो कोई फिर से बिग बॉस में। क्या यार, मेरे को सबके साथ फोटो खिंचानी पड़ती है। कितना गंदा कर रखा है कैमरा, मेरे को टैलेंटलेस बोल रहे थे ना। लो अब मैं तुम्हें नाच के दिखाती हूँ, घूमर 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 घूमर। अबे यार ये फिर से आ गई। ओ माय गॉड, डिड शी जस्ट, स्माइल कर वरना लगाऊंगी। ये राखी जी, और फिर मौका मिलते ही उर्फी ने वहां से राखी को दफा कर दिया, जो कि आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, क्योंकि राखी है ही इतनी अनोइंग, मतलब लिटरली खड़े खड़े बेचारी उर्फी को रोस्ट कर देती है। यार क्या कर रही हो, आई केम हियर फॉर लंच नो, वाओ मतलब सबके तो दिन बन गए। ऐसा लंच होता है तो फिर डिनर की भी जरूरत है। यार राखी जी, सैलेड कहां पे है, सैलेड है। सी दिस इज माय प्रॉब्लम, कि कोई उसके कपड़ों के अलावा कोई बात ही नहीं करता। लाइक डू यू इवन नो कितनी इंटेलिजेंट है उर्फी, ये जो कोविड की पूरी सिचुएशन हुई थी उस पे इतना अमेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू दिया था ना उसने, जस्ट हैव अ लुक। उर्फी जी मास्क फ्री महाराष्ट्र हो गया, क्या कहना चाहेंगे। वैसे भी यार लिप ग्लॉस के ऊपर मास्क लगाना पूरा मेकअप खराब हो जाता था, आई स्वेयर, थैंक गॉड, लाइक बिग रिलीफ टू एवरीवन जो कि मेकअप करता हो। नाइस,
या नाइस वेरी नाइस इनफैक्ट नाइस 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 और उर्फी की बेस्ट बात यह है कि उसे अच्छे से पता है कि फेमस कैसे होना है, इसीलिए ये सब बकवास क्वेश्चंस के बाद उसने फटाक से ये बोला और कुछ जल्दी और बस फिर शुरू हो गई उर्फी कश्मीरा शाह कैश्मीरा शाह के बारे में। I'm famous on Instagram and not in real life. आप तो दोनों में ही नहीं हो, क्या फायदा? देखो वैसे आज सच मेरा कोई इंटरेस्ट था नहीं इन सब बातों में कि किसने क्या चुगली की, किसने क्या बोला, बट फॉर कॉन्टेंट purposes मैंने जाके देखा कि आखिर कश्मीरा कैश्मीरा ने बोला क्या था। उर्फी को और एक मैसेज देना मेरा कि एयरपोर्ट पे टिकट लेके जाया करो, इससे सिर्फ वहाँ जाके खड़े रह के फोटो लेके वापस गाड़ी में बैठ के जाओ। देखो कहना तो मैं भी यही चाहता था लेकिन मैंने सोचा खुद बोल के बुरा क्यों बनना, कैश्मीरा से ही बुलवा लो। तो गाइस अवीरा मैं एक्चुअली वीडियो एडिट ही कर रहा था और मैंने देखा कि कल उर्फी ने उस चीज पे रिएक्ट किया है जब रणवीर ने उसका नाम लिया है कॉफी विद करण पे, सो हैव अ लुक। एंड देन माय सिस्टर कॉल्ड मी, डिड यू वॉच इट? आई एम लाइक नो, शी इज लाइक रणवीर सिंह कॉल्ड यू अ फैशन आइकन एंड आई एम लाइक नो, पहले मुझे लगा शायद मजाक उड़ा रहा होगा मेरा, बट ही सेड इट वेरी नाइसली, वेरी वेरी स्वीट ऑफ हिम, आई फील लाइक एंजेलिना राइट नाउ, नो आई फील लाइक दीपिका पादुकोण राइट नाउ। देखो वैसे तो आई एम रोस्टिंग हर बट शी इज काइंड ऑफ क्यूट, सो यहाँ मैं पिघल गया, बट एनीवेज बैक टू द वीडियो। तो यार अपनी कंटेंट रिसर्च करते वक्त ना मेरे को उर्फी के बारे में बड़े अजीबोगरीब फैक्ट्स पता चले जो कि मैं अब अपने 2016 के पुराने स्टाइल में आपको बताने वाला हूँ। नंबर वन, उर्फी का नाम अब उर्फी नहीं है क्योंकि फॉर सम रीजन उसने अपना नाम उर्फी कर लिया है। Like what? Really? Number two, उर्फी बिग बॉस ओटीटी में जाने से पहले बिल्कुल एक नॉर्मल फैशन इन्फ्लुएंसर थी, लेकिन बिग बॉस से आने के बाद लगता है उसको बिग बॉस का भूत चिपट गया क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस बन चुकी है, अनफॉर्चुनेटली जिसका असर दूसरों पे भी पड़ने लगा है। नंबर थ्री, उर्फी बहुत ही बोल्ड और आउटस्पोकन है जिसका एक्चुअल मीनिंग ये है कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अजीबोगरीब कपड़े पहनती है और उन्हें बातें घुमाने में बहुत मजा आता है। तवे पे सेक के कपड़े पहनूं, फ्रीजर से निकाल के कपड़े पहनूं, मेरी मर्जी, हॉट एंड कोल्ड मेरी मर्जी। लाइक ये इसमें बोल सकती थी कि मुझे हॉट कपड़े पहनना अच्छा लगता है इसलिए मैं पहनती हूँ, लेकिन पता नहीं बहन कहाँ तवे और फ्रीजर में पहुंच गई। Maybe because she's been to Big Boss. Anyways, number four, Urfi एक नंबर की चोर है और वो सारे आइडियाज फॉरेन के फैशन शोज से चुराती है, खुद ही देख लो। यार वेट, फैशन शोज का असली मजा ना इंग्लिश गानों के साथ ही आता है, तो here's Imagine Dragons का Believer। अबे ये वाला नहीं, इससे तो कॉपीराइट आ जाएगा यार, थोड़ा रोटी भी खानी होती है, थोड़ा सस्ता वाला लगाओ। Now proudly presenting हमारी showdropper, showstopper उर्फी जावेद। वाह बेटा, उसको हेल्प करने की जगह उसको गिरो मत चिल्ला रहे हो। वैसे गिरो मत बोल किसको रहे हो, उर्फी को या उसके फैशन सेंस को? So guys, that was it. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो उर्फी जावेद पे। अगर पसंद आया हो तो ड्रॉप अ लाइक, प्लीज ड्रॉप अ कमेंट फॉर एंगेजमेंट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द MPL Pro app फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद न्यू वीडियो। बाय बाय।